बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सोनो रिसेप्टर्स यानी ईयर। ईयर जो है हमारे पास बेसिकली सेंस ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयरिंग के लिए। इसके अलावा ईयर हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम और जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का उसको भी मेंटेन करते हैं। अगर हम ईयर के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ईयर को। आउटर ईयर जिसको एक्सटर्नल ईयर भी बोला जाता है, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। और आउटर ईयर जो है इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम आ जाता है जिसको हम टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और मिडल ईयर में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं बोन्स, ओवल विंडो और इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एंड इंटरनल ईयर में कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं। हम वन बाय वन ईयर के इन डिफरेंट पार्ट्स और इनके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल या आउटर ईयर को। तो आउटर ईयर का हमने कहा कि इसमें 3 पार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आ रहा है इस डायग्राम में, वो सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला पोर्शन जो है आउटर ईयर का वो क्या होता है, जो बाहर हमें नजर आ रहा होता है कान का पोर्शन, फ्लैपिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है, पीना होता है, ठीक है। और बेसिकली इनकी कौन कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है कि 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में, एक बोनी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सीबल होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो पीना का होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और कवर्ड होता है विद स्किन, ठीक है। तो इसका क्या काम है, इस पीना का जो आउटर पोर्शन का जो हमें नजर आता है बाहर से, इसका काम है कि बाहर से आने वाली जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं उसको कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद जो आउटर ईयर का सेकेंड पार्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो एक कैनाल लाइक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी तरफ भेजता है। इस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और ऑडिटरी कैनाल की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे हेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल टाइप के ग्लैंड मौजूद होते हैं जिसका नोज में जो है जो नेसल कैविटीज होती हैं वहाँ पर हेयर और इसके अलावा ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि स्टिकी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हेयर्स और स्पेशल टाइप के ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड वैक्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि, और इस वैक्स और इन हेयर्स का क्या काम होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं ईयर को, स्मॉल इंसेक्ट जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रैप ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं आगे फर्दर ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ ना जा सके और डैमेज ना काज कर सके, लिहाजा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये वक्त वक्त से जो हम कान को साफ करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, वैक्स और डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जमा हुए होते हैं और जिनको क्लीन करना ज़रूरी होता है, सही। इसके अलावा जो है ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं ग्लैंड्स और हेयर, इनका काम क्या होता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और डैम्पनेस यानी जो वेटनेस होती है, नमी वगैरह होती है ऑडिटरी कैनाल की, उसको भी जो है मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल को देखें तो यहाँ पर एंडोरी है, ये आपको एक ओवल शेप में एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ड्रम शेप का, ठीक है, इधर एंड होती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोला जाता है या टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन है जो कि आउटर ईयर को इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यानी मिडल ईयर का स्ट्रक्चर उससे सेपरेट करती है, यानी मिडल में मौजूद होती है, आउटर और मिडल ईयर के दरमियान में मौजूद होती है, उन दोनों को सेपरेट करती है ईयर ड्रम यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट जो है ईयर का, मिडल ईयर की तरफ आते हैं। मिडल में ये पोर्शन मौजूद होता है और बेसिकली यहाँ पर बोन्स मौजूद होती हैं, इन बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है, और ये चेन फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस पोर्शन को जो है, यहाँ पर अगर हम देखें बड़ा करके दिखाया तो ये हमारे पास आउटर ईयर का स्ट्रक्चर यहाँ पर एंड होता है ईयर ड्रम, ठीक है। और यहाँ से आगे आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो, ठीक है, ये बोनी स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी बोन्स मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेलस, इंकस और स्टेपिज। ये 3 टाइप की बोन्स जो हैं दोनों कानों में मौजूद होती हैं यानी पेयर की फॉर्म में होती हैं। हर कान में 3 होती हैं,
और दो कानों में, मतलब टोटल सिक्स मौजूद होती है बोन्स, ठीक है। जो फर्स्ट बोन जो होती है मेलस, वो अटैच होती है ईयर ड्रम के साथ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। इंकस जो है ये मिडल में मौजूद होती है, और स्टेपिस जो होती है ये लास्ट पे मौजूद होती है, और अटैच होती है, यहाँ पर आप देखें तो एक ओवल विंडो होती है यहाँ पर, इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। ये तीन बोन्स जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स हैं। और अगर हम बात करें कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो ये स्टेपिस जो है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। और हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स मौजूद हैं उनमें सबसे जो छोटी हैं ये बेसिकली ये तीन ही हैं, और अगर सिर्फ एक सबसे छोटी की बात करें तो वो हमारे पास है स्टेपिस है, वो जो स्मॉलेस्ट बोन है। इसके अलावा हमारे एयर में जो है स्मॉलेस्ट बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी कहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे एयर में मौजूद होते हैं। सो ईयर जो है उसमें दो ईयर जो है पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, लिहाजा हर ईयर में जो है ये तीन बोन्स मौजूद होती हैं, यानी टोटल सिक्स ये वाली बोन्स मौजूद होती हैं, मेलस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है, दोनों कान में। सो अब ये तो हो गया हमारे पास बोनी स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है यूस्टिशियन ट्यूब की तरफ। यूस्टिशियन ट्यूब क्या होती है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मिडल ईयर का पोर्शन है, तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज हो रहा है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, जो कि मिडल ईयर से अराइज होता है और क्या करता है, कनेक्ट करता है फेरिंग्स के साथ, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है जिसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं या यूस्टिशियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये क्या करती है, मिडल ईयर का जो पोर्शन होता है उसको कनेक्ट करती है, जो फेरिंग्स पोर्शन है हमारा, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करती है। और इसका काम इसके अलावा क्या होता है कि ये रेगुलेट करती है एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम, यानी ईयर ड्रम के इस साइड पर और इस साइड पर जो एयर प्रेशर होता है उसको ये मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। तो अगर जब कानों में जो है ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं तो समटाइम क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो फेयरिंग्स पोर्शन है, यानी जो हमारा सपोज हल्क में आपको ऐसा लगता है आपके गले में वो जो है ड्रॉप्स गए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कनेक्शन मौजूद होता है। तो वो कनेक्शन बेसिकली कौन सा होता है ईयर और फेयरिंग्स के दरमियान, वो होता है यूस्टिशियन ट्यूब के थ्रू होता है, या ऑडिटरी ट्यूब भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब ओवल विंडो क्या है, ओवल विंडो सेपरेट करती है मिडल ईयर को विद इनर ईयर के साथ, लिहाजा मिडल ईयर में ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो मिडल ईयर से आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है वो होता है इनर ईयर होता है, ठीक है। तो लिहाजा ओवल विंडो जो होती है वो क्या करती है, मिडल ईयर को सेपरेट कर देती है इससे अगला जो स्ट्रक्चर है इनर ईयर के स्ट्रक्चर के साथ। अब हम आ जाते हैं ईयर के लास्ट पार्ट यानी इनर ईयर की तरफ। तो इनर ईयर की बात करें तो बेसिकली थ्री स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है कॉकलिया, तो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आप देखें इनर ईयर के पोर्शन को इस डायग्राम में, तो ये जो क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन जो है बेसिकली इसको कॉकलिया बोला जाता है। और इसकी तरह अगर हम रिजेम्बलेंस देखें किसके साथ है, तो जिस तरह स्नेल का शेल होता है उसकी तरह इसकी रिजेम्बलेंस है, ठीक है, ये जो कॉकलिया का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है सेमी सर्कुलर जो किनाल सी नजर आ रही है, थ्री आप देख सकते हैं, 1, 2 एंड 3, ये जो किनाल्स हैं इनको हम सेमी सर्कुलर किनाल्स बोलते हैं, और 3 होती है नंबर्स में, और पोस्टीरियर टू वेस्टिब्यूल, ये जो मिडल में स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल बोला जाता है। इसके पोस्टीरियर पर ये 3 वेस्टिब्यूल जो है सेमी सर्कुलर किनाल्स मौजूद होती हैं। तो ये जो वेस्टिब्यूल है बेसिकली ये सेंटर में मौजूद होता है, यानी सेमी सर्कुलर किनाल और कॉकलिया जो है इसके सेंटर में मौजूद होते हैं, यानी जो इनर ईयर है उसके सेंटर में मौजूद है, और इसको ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है इस वेस्टिब्यूल के स्ट्रक्चर को। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो है फ्लूइड मौजूद होता है, यानी फ्लूइड फिल्ड होता है ये वाला स्ट्रक्चर भी, और इसके अलावा यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है यहाँ पर मौजूद वेस्टिब्यूल में, ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी मूव करती है उसके अकॉर्डिंग ये जो है फ्लूइड यहाँ पर मूव करता है। और जब फ्लूइड मूव करता है तो यहाँ पर मौजूद जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो भी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से मैसेज जो है आप देख सकते हैं वेस्टिब्यूलर नर्व जिसको बोलते हैं इसके थ्रू जो है फिर ब्रेन तक जाता है, और फिर ब्रेन डिकोड करता है ये जो भी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आया, और फिर बॉडी को मदद करता है कि वो बैलेंस अपना मेंटेन करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनर ईयर में
मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो तरह के बेसिकली जो है फ्लूड मौजूद होते हैं जो कि इनर ईयर में मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपको ब्राउनिश कलर में जो नजर आ रहा है ये बेसिकली डक्ट्स हैं, ठीक है। तो बाहर जो आपको लाइट ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली केनाल्स हैं। डक्ट्स के इर्द गिर्द जो है वो केनाल्स मौजूद होती है और केनाल में जो हमारे पास फ्लूड होता है वो बेसिकली पेरिलिम्फ होता है। तो सारी केनाल्स जो होती हैं और उन्होंने पूरे जो इनर ईयर का हमारा पोर्शन है उसको सराउंड किया होता है, इवन कॉकलिया के स्ट्रक्चर को भी, ठीक है। तो इट्स मीन पेरिलिम्फ यहाँ पर ये फ्लूड जो है मौजूद होता है। और इसके अलावा ये जो डक्ट का पोर्शन इसके अंदर इन केनाल्स के अंदर मौजूद है आप देख सकते हैं, चाहे वो सेमी सर्कुलर केनाल हो, चाहे वो वेस्टिब्यूल का पोर्शन हो या चाहे कॉकलिया का पोर्शन हो, यहाँ पर ये डक्ट्स मौजूद है। और इन डक्ट्स में जो फ्लूड मौजूद होता है उस फ्लूड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ बोला जाता है, ठीक है। लिहाजा जो डक्ट्स में मौजूद होता है हमारे पास फ्लूड उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं और जो डक्ट्स के भी जो केनाल्स होती हैं पूरे इनर ईयर के स्ट्रक्चर में उसमें जो फ्लूड मौजूद होता है उसको पेरिलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं, आप ये देखें हमने कहा था ना 3 सेमी सर्कुलर केनाल होती है, तो ये सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर क्या है 3 डक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक डक्ट होगी, ये सेकंड डक्ट होगी, ठीक है, और ये थर्ड डक्ट, ठीक है। 3 डक्ट्स भी मौजूद होती हैं। जिस तरह कोक्लिया मौजूद होता है तो कोक्लिया के अंदर क्या होती है कोक्लियर डक्ट मौजूद होती है जिसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में हम देखते हैं किस तरह जो है हेयरिंग का फिनोमेना यानी सुनने का अमल किस तरह विदन अवर ईयर का जो स्ट्रक्चर है किस तरह उसमें टेक प्लेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा जो आउटर ईयर होता है यानी पीना का जो पोर्शन है वो ये लाइक एक साउंड प्रोड्यूस हुई है तो वो साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करता है और उस साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद वो भेजता है ऑडिटरी केनाल में। ऑडिटरी केनाल से ट्रेवल करती हुई ये साउंड वेव जो है स्ट्राइक करती हैं यहाँ पर मौजूद ईयर ड्रम के साथ। जब ड्रम के साथ वो स्ट्राइक करती हैं तो ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और ये वाइब्रेशंस फिर मिडल ईयर के जो पोर्शन है यहाँ पर मौजूद जो बोन्स होती हैं ऑसिकल्स इसमें ट्रेवल करती हैं वाइब्रेशन मेलस से इंकस और इंकस से स्टेपिस की तरफ। फिर स्टेपिस से ये वाइब्रेशन जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं ओवल विंडो के थ्रू। यहाँ पर हमने कहा था ओवल विंडो होती है जो कि मिडल ईयर को इनर ईयर जो होता है उससे सेपरेट करती है। सो वाइब्रेशंस यहाँ पर ओवल विंडो के थ्रू कोक्लिया में आती हैं और कोक्लिया में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर फ्लूड होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई यानी जो है रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं और इसके अलावा हेयर मौजूद होती हैं। यहाँ पर हेयर सेल्स होते हैं उनकी बेंडिंग होती है, ठीक है, वेव्स होती हैं वाइब्रेशन बेंड करती हैं उन हेयर सेल्स को और उन बेंडिंग की वजह से क्या होता है यहाँ पर जो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स जो होती है वो जनरेट होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स तो अब वो नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिटेड होती है। ये जो पोर्शन है इसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। सो ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है वो नर्व इम्पल्स मैसेज लेके जाती है ब्रेन के स्पेसिफिक पोर्शन स्पेसिफिक सेरिब्रम के पोर्शन की तरफ जो कि हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एक स्पेसिफाई होता है ऑडिटरी जो इम्पल्स होती है उसको रिसीव करने के लिए। लिहाजा ब्रेन के सेरिब्रम के पोर्शन में फिर क्या होता है कि इस नर्व इम्पल्स की जो मैसेज लेके आई होती है उसको एनालाइज किया जाता है और फिर जो भी साउंड होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है सेरिब्रम के पोर्शन में। तो ऑडिटरी नर्व क्या होती है वो नर्व जो कि ब्रेन ईयर से मैसेज लेकर टूवर्ड्स द ब्रेन जाती है और बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है विद इन द ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह जो है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का फिनोमेना विद इन आवर ईयर जो है वो टेक प्लेस होता है। मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, हमने कहा था कि ईयर जो होते हैं ना सिर्फ हेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं बल्कि जो बैलेंस और इक्विलिब्रियम है हमारी बॉडी का उसको भी मेंटेन करने में मदद कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग को देखते हैं। दो इनर ईयर जो बेसिकली है हमारे पास वहाँ पर दो तरह का सिस्टम मौजूद होता है। एक तो जो हमने आगे बात की मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग में हेल्प करता है यानी कोक्लिया का स्ट्रक्चर जो होता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू मैसेज भेजता है सेरिब्रम को। दूसरा यहाँ पर जो सिस्टम होता है उसको वेस्टिब्यूलर सिस्टम बोला जाता है और यानी जो हेल्प आउट करते हैं इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने में और इसमें हमारे पास सेमी सर्कुलर केनाल्स आ जाती हैं और ये वाला पोर्शन जो है आ जाता है। तो हमने कहा था इनर ईयर का जो पोर्शन है वो मोस्टली फ्लूइड फिल्ड होता है।
फ्लूइड यहाँ पर मौजूद होता है। तो जिस तरह कोक्लिया और वेस्टिब्यूल में फ्लूइड मौजूद होता है, तो इसी तरह जो सेमी सर्कुलर किनार्स होती हैं, ये जो मिडल में पिंक पोर्शन, डार्क पिंक कलर दिखाया गया है, ठीक है, ये बेसिकली ये डक्ट्स को शो कर रहा है और इस स्टेज की जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो किनार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सेमी सर्कुलर किनार्स होती है, ये जो आपको तीन नजर आ रही है, ये भी फ्लूइड फिल्ड होती है और यहाँ पर भी हेयर सेल्स और टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। जब हमारा हेड मूव करता है तो जाहिर सी बात है कान अटैच होते हैं हेड के साथ, तो मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इन किनार्स में वो भी मूव करता है। इस फ्लूइड के मूव करने की वजह से यहाँ पर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो भी मूव करते हैं और यहाँ पर जो हेयर सेल्स होते हैं बेंड हो जाते हैं। जब हेयर सेल्स बेंड होते हैं तो इन हेयर सेल्स की बेंडिंग क्या करती है, यहाँ पर जनरेट करती है नर्व इम्पल्स को, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर जो है नर्व्स भी मौजूद होती हैं, ठीक है, और सेल्स भी मौजूद होती हैं जो कि इस जो भी चेंज होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब ये नर्व इम्पल्स का ये जो मैसेज होता है वो जाता है हमारा जो ब्रेन का इक्विलिब्रियम कंट्रोलिंग सेंटर होता है, बैलेंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे हाइंड ब्रेन का पोर्शन जो होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो ये मैसेज होता है नर्व इम्पल्स का वो सेरिबेलम को जाता है, लेकिन ऑडिटरी नर्व नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर देखें वेस्टिब्यूलर नर्व मौजूद होती हैं। वेस्टिब्यूलर नर्व के थ्रू जो मैसेज है वो कहाँ पर जाता है, हमारे ब्रेन का जो बैलेंसिंग कंट्रोल सेंटर है सेरिबेलम, उसकी तरफ जाता है मैसेज, और फिर वो पोर्शन जो होता है ब्रेन का वो इंटरप्रेट करता है हमारी हेड्स की मोशन को, ओरिएंटेशन को, क्या डायरेक्शन है, पोजीशन क्या है हेड की, और फिर प्रॉपर मैसेज होते हैं हमारे मसल्स और वगैरह को जाते हैं ताकि हम जो हमारा हेड है वो बैलेंस पोजीशन में आ जाए, ठीक है, मतलब बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाए। तो लिहाजा जो हेयरिंग के लिए जो इनर इम्पल्स जाती है वो विद द हेल्प ऑफ जाती है ऑडिटरी नर्व, लेकिन जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो इम्पल्स जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन सेरिबेलम की तरफ, वो जाती है विद द हेल्प ऑफ वेस्टिब्यूलर नर्व्स की मदद से जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वो सेरिबेलम की तरफ जाती है वेस्टिब्यूलर नर्व, और यहाँ पर ये क्या है सेरिब्रम के पोर्शन की तरफ जाती है, ठीक है। सेरिबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पोर्शन है और सेरिब्रम जो है वो बेसिकली फोरब्रेन का पोर्शन होता है। तो इस तरह जो होता है बैलेंस जो है कंट्रोल करते हैं हमारी एयर जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आप देखें, तो जैसे इस पर्सन का हेड मूव करता है, ठीक है, आगे और पीछे की तरफ, तो उसके साथ ही इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज होती है और साथ ही जो यहाँ पर फ्लूइड है वो भी मूव करता है, और जब फ्लूइड मूव करता है तो हेयर बैंड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज सिग्नल जो है टुवर्ड्स द ब्रेन जाते हैं। और इसी तरह आप ये देखिए साइड राइट और लेफ्ट साइड पे हेड जब मूव करता है तो यहाँ पर सेमी सर्कुलर किनार्स जो हैं ये उसके अकॉर्डिंग देखें मूव कर रही हैं, इनकी ओरिएंटेशन और फ्लूइड की मूवमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होती है। और फिर मैसेज जब जाता है तो ब्रेन जो है उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर बॉडी को यानी हेड को जो है फिर एक बैलेंस पोजिशन में लाने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। होपफुली आपको जो है ईयर उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में क्लियरली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।